इस वीडियो में हम लोग DSE 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपको हाल में ही होने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जूठन पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? जूठन पुस्तक के रचयिता का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा, पहला दलित आत्मकथा का नाम लिखे। पहला दलित आत्मकथा है जंगल की रानी। प्रश्न है, दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का अर्थ है कुचला हुआ। उसके बाद फिर से प्रश्न है, स्वतंत्र उत्तर भारत में स्त्री विमर्श का आरंभ कब से हुआ? यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्त्री विमर्श का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका आंसर है 1971 ईस्वी से हुआ। स्त्री ने समाज में विविध क्षेत्र में अपना अलग पहचान बनाना कब से शुरू की? तो इसका आंसर है 20वीं शताब्दी के आसपास से उन्होंने बनाना शुरू की। हिंदी की पहली नारीवादी लेखिका कौन थी? तो इसका आंसर है राजेंद्र घोष। जूठन पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? यह ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह इम्पोर्टेंट है। जूठन पुस्तक के रचयिता का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीए सेमेस्टर 6 डीएससी 4 के लिए। मरहिया पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? इसका नाम है तुलसीराम। तुलसीराम का जन्म कब हुआ था? तुलसीराम का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। एक कहानी यह भी पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? एक कहानी यह भी पुस्तक के रचयिता का नाम है मन्नू भंडारी। तुलसीराम का जन्म कब हुआ था? तुलसीराम का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1931 ईस्वी को तुलसीराम का जन्म हुआ था। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी का कथा सम्राट है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म लम्ही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थान लम्ही कहाँ स्थित है? वाराणसी या बनारस भी हो सकता है क्योंकि आजकल पहले बनारस कहा जाता था, आजकल वाराणसी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू की किस नाम से लिखते थे? तो इसका आंसर होगा उर्दू में हुआ नवाब राय के नाम पे लिखते थे, और उससे पहले जो हिंदी में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद्र से पहले धनपत राय नाम से। प्रश्न है, प्रेमचंद्र की साहित्य साधना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है 1900 ईस्वी। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी उपन्यास कौन सी थी? तो इसका आंसर है सेवा सदन। गबन कब प्रकाशित हुआ था? गबन प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में। गबन के कथानायक कौन थे? गबन के कथानायक थे रमानाथ, जो गबन किए थे रमानाथ अपने ऑफिस से। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र की कैसी कहानी है? यह एक आदर्शवादी कहानी है, मतलब जो पंच बनता है तो वो अपने आदर्श पर चलता है, इसीलिए आदर्शवादी कहानी है। वो अपना वापसी दुश्मनी छोड़ के अच्छा से न्याय करता है। पंच परमेश्वर कहानी के कथानायक कौन है? अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर में किन दोनों की मित्रता को केंद्रीयता प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर कहानी का प्रथमत पंचायत किस मामले को लेकर होती है? तो इसका आंसर है खालाजान के मामले को लेकर होती है। कालाजान के मामले को लेकर पंच किसे चुनते हैं? तो इसका आंसर है अलगू चौधरी को चुनते हैं, और जुम्मन शेख उसका आरोपी होता है। समझू साहू वाले मामले में पंच किसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है जुम्मन शेख, और उसका आरोपी होता है अलगू चौधरी। अलगू चौधरी द्वारा फैसला किस पक्ष पे दिया जाता है? खालाजान के पक्ष पर दिया जाता है। जुम्मन शेख द्वारा फैसला किसके पक्ष पर दिया जाता है? तो इसका आंसर होता है अलगू चौधरी के पक्ष पर दिया जाता है।
अर्थात में किसके हृदय का मैल धुल जाता है? इसमें दोनों का, जो मनसिक और अलगू चौधरी, दोनों का मन का मैल धुल जाता है और आपसी मित्रता फिर से बन जाते हैं। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। कैसी कहानी है? यह भी आदर्शवादी है। बड़े घर की बेटी समाज में संयुक्त परिवार में नहीं रहना नहीं चाहते थे पहले लोग सोचते, लेकिन या जो आनंदी है वह संयुक्त परिवार में रहना चाहती है, सबको एक साथ जुड़ के रहना चाहती थी, इसीलिए यह आदर्शवादी कहानी है। बड़े घर की बेटी कहानी के कथानायक कौन है? तो इसका आंसर होगा श्रीकंठ। बेनी माधव सिंह कौन है? बेनी माधव सिंह है कथानायक के पिता, यानी बड़े घर की बेटी के कथानायक के पिता। बड़े घर की बेटी की कथानायिका कौन है? नायिका, नायिका है आनंदी और इसका नायक है श्रीकंठ, यानी आनंदी का पति। बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे कौन थे? बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह, जो बड़े घर की बेटी का कथानायक है। आनंदी का देवर कौन था? आनंदी का देवर का नाम था लाल बिहारी सिंह। बैर का अंत किस विधा की रचना है? बैर का अंत कविता है। बैर का अंत किसकी रचना है? बैर का अंत प्रेमचंद्र की रचना है। बैर का अंत जोगेश्वर के पिता का क्या नाम है? रामेश्वर राय। रामा आत्मराम किस विधा की रचना है? कहानी, कहानी आत्मराम एक तोता का नाम रहता है जो भाग जाता है। आत्मराम किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की। यह एक सुप्रसिद्ध कहानी है। रामा आत्मराम के कथानायक का क्या नाम है? महादेव, जो वह तोता का मालिक रहता है, महादेव। सुहाग की साड़ी किस विधा की रचना है? यह कहानी है। सुहाग की साड़ी किसने लिखी? इसका लेखक है प्रेमचंद्र। सुहाग की साड़ी का स्त्री पात्र का क्या नाम है? गोरी। सदगति किस विधा की रचना है? सदगति एक कविता है। सदगति किसकी रचना है? सदगति के रचनाकार है प्रेमचंद्र। यह प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानी में आती है। सदगति कहानी पर किसके ऊपर अत्याचारों को दिखाया गया है? तो इसका आंसर है हरिजनों के ऊपर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है। सदगति का मुख्य पात्र कौन है? सदगति का मुख्य पात्र है दुखी। प्रेरणा किस विधा की रचना है? प्रेरणा कहानी है, कहानी विधा की रचना है। प्रेरणा का मुख्य पात्र कौन है? प्रेरणा का मुख्य पात्र है सूर्य प्रकाश। यह आपको पात्र और कौन विधा का कहानी है वह मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रारब्ध किस विधा की रचना है? तो यह है कविता। सबसे लास्ट क्वेश्चन में है प्रारब्ध किसकी रचना है? तो यह है प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानी में प्रारब्ध कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो इसका मुख्य पात्र का नाम है जीवनदास। ये थे DSE 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स में पूछ सकता है। यह इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 26 तारीख का एग्जाम होने वाला है, उससे आपको यह क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो आप जितना भी पंच परमेश्वर, जितना भी प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसे आपको पढ़ना होगा। जितना 7 कहानी सब दिया है सबको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको आत्माराम, मुर्दिया, उसके बाद जूठन, दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जूठन और मरहिया से भी पूछ सकते हैं। आत्माराम और तुलसी राम का इम्पोर्टेंट दलित आत्मकथा सब, तो ये आप पूछ सकता है। इसीलिए आप DSE 4 के लिए या ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसे एक बार पढ़ के जाइए, साथ ही आप आत्माराम और बाकी जितना भी पंच परमेश्वर का कहानी ए प्रेमचंद्र का कहानी है, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर और आत्माराम, 3 इम्पोर्टेंट उसमें पूछ सकता है। ज़्यादातर पंच परमेश्वर में अगले साल पूछा गया था और बड़े घर की बेटी में। साथ ही आपको दलित आत्मकथा में
जूठन में पढ़ना होगा, जूठन में किस प्रकार का उसकी स्थिति थी साथ ही मर्दिया में।